अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो क्लिनजिंग मिल्क है, जो पॉन्ड्स वालों की है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। इसको लगाने से फेस पर वाइटनिंग आएगी, टाइटनिंग आएगी और फेस आपका ग्लो करेगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी है और रोज़ वाटर भी मिक्स है। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करने से आपके स्किन पर ग्लो आता है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि ये फेस वॉश है। ये फेस वॉश शो दोबारा कराने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इस फेस वॉश की मैं पब्लिसिटी कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद भी आप क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हैं, और इस फेस वॉश को यूज़ ना भी करें तो खाली इसका ये जो ब्रश है, आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्रश है, इस ब्रश के ज़रिए आप क्लिनजिंग मिल्क का मसाज कर सकते हैं। इसको शो कराने का मकसद सिर्फ ये है। और इसको अगर आप लगाते हैं, सबसे पहले आप इसको फेस वॉश को यूज़ करते हैं, तो ये भी आपको वाइटनिंग देगा और पॉन्ड्स की जो आपके पास क्लिनजिंग मिल्क है ये भी आपको वाइटनिंग देगी। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपको डबल वाइटनिंग मिलेगी और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, टाइटनिंग वाइटनिंग सब आएगी, यहाँ तक कि आपके फेस पर जो ब्लैक शाइन आ जाती है, वो ब्लैक शाइन यानी कि डार्क सर्कल वगैरह आते हैं वो भी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक, और आपके रिंकल वगैरह भी कंट्रोल होगी। अच्छा, ये जो है ये हिमानी का है, थर्मोटिक प्योरीफाइंग फॉर्मिंग फेस वॉश है, यानी कि फॉर्म टाइप का ये फेस वॉश है। और ये जो है पॉन्ड्स की क्लिनजिंग मिल्क है, और क्लिनजिंग मिल्क इसको यूज़ करने से आपको एक तो मिल्क यानी कि मिल्क अगर आप पीते भी हैं तो भी आपकी फेस ग्लो करता है, अगर नहीं भी पीते हैं तो इस तरह की मिल्क की कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, जैसे क्लिनजिंग मिल्क है, और भी कोई सी कंपनियां भी होती हैं, बहुत सी कंपनियां हैं इस टाइप की, वो भी जो है ना क्लिनजिंग मिल्क के नाम से प्रोडक्ट शो कर रही हैं, लेकिन कंपनियाँ डिफरेंट हैं, नाम एक ही है क्लिनजिंग मिल्क, लेकिन कंपनियां डिफरेंट हैं, लेकिन काम सबके एक ही हैं। तो अगर आप उन कंपनियों का भी अगर यूज़ करते हैं तो आपको वही चीज़ मिलेगी, ग्लो मिलेगा आपको, फेस पर ग्लो होगी, वाइटनिंग टाइटनिंग दोनों चीज़ें होंगी, ठीक। इसको यूज़ कराने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ कि आपको इसको किस तरह यूज़ करना है। यह आपने थोड़ा सा लिया, ये आप फेस पर, हैंड पर, फूट पर, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इससे भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह आप मसाज करेंगे। अच्छा, मसाज करने का तरीका ये होता है, आप नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि आप चिक की तरफ से, लिप की तरफ से, आइज़ की तरफ मसाज ऊपर की तरफ करेंगे। इस तरह आपको इसका मसाज करना है नीचे से ऊपर की तरफ। मैं आपको किसी के फेस पर भी एक दफ़ा करके ना स्टेप समझा दूँगी कि किसी भी क्लिनजिंग के या फेशियल के स्टेप किस तरह होते हैं, वो स्टेप का तरीका भी आपको मैं समझा दूँगी किसी के फेस पर करके, या फिर ये है कि मैं आपको एज अ पिक्चर भी शो कर दूँगी कि किस तरह के फेस पर किस तरह स्टेप लिया जाता है, वो भी आपको शो कर दूँगी। इस तरह आप करेंगे, और मैं ब्रश जिस तरह बोल रही हूँ कि अगर ब्रश से आप करना चाहें तो ब्रश से ऐसा किया, आपने डिप किया, ये ब्रश देखें कितनी जगहों पे यूज़ हो सकता है, आपके तमाम फेशियल में भी यूज़ हो सकता है, जितने भी फेशियल हैं उनमें भी यूज़ हो सकता है। और इस तरह की क्लिनजिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी यूज़ हो सकता है, फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं फेस वॉश में भी यूज़ हो सकता है, हर तरह की चीज़ों में ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लीच लगा रहे हैं, ब्लीच लगाने के बाद एंड में जब हम ब्लीच वॉश करते हैं तो हम थोड़ा सा मसाज करके वॉश करते हैं, तो आप इस तरीके से मसाज हल्का सा ब्रश से कर सकती हैं, फिंगर से भी कर सकती हैं, ब्रश से भी कर सकती हैं, तो इस तरह का मसाज करने के बाद आप वॉश कर लें। अच्छा, क्लिनजिंग को और कोई सा भी फेस आप फेस वॉश यूज़ कर रही हैं या फिर ब्लीच यूज़ कर रही हैं, कभी भी पफ से वॉश ना करें, साफ़ ना करें, तो उसको डायरेक्ट आप पानी से ही वॉश करें। वाटर से वॉश करने का मतलब यह है कि आपका अंदर तक, स्किन के अंदर तक जो क्लिनजिंग मिल्क या कोई सी भी क्रीम बैठ गई है जाकर, तो वो अंदर से साफ़ हो जाएगी।
इस तरह का आप मसाज करेंगे, मसाज आप 15 से 20 मिनट का करेंगे। क्लिंजिंग मिल का हमेशा मसाज 15 से 20 मिनट का होता है। उसके बाद आप इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद मास्क लगाना, चाहे कोई सा भी मास्क आप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन के लिए सूट हो। मैं आपको बहुत सारे मास्क भी आपको बता दूँगी, कौन कौन से मास्क किस किस स्किन के लिए अच्छे और बेस्ट होते हैं वो भी बता दूँगी, और उनकी कंपनी के बारे में बता दूंगी, उनको लगाने का तरीका टाइमिंग वगैरह सब बता दूंगी, किस तरह यूज़ होते हैं वो। अच्छा, आप फेस वॉश के बाद भी क्लिंजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अगर फेस वॉश ना यूज़ करें, खाली क्लिंजिंग डेली यूज़ करें, तो आपकी स्किन में वाइटनिंग टाइटनिंग ग्लो करने लग जाएगी और वाइटनिंग टाइटनिंग दोनों हो जाएगी, और इसके अलावा आपकी स्किन का कलर भी अच्छा होने के बाद ग्लो भी हो जाएगा। बहुत सारी परेशानियाँ जो होती हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी रिमूव हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह आप मसाज करते जाएंगे। ये मैं मसाज कर रही हूँ, उसका कलर चेंज होता जा रहा है, जितना मसाज कर रही हूँ उसका कलर चेंज होता जा रहा है मेरे हाथ का। ये देखें, 15 से 20 मिनट का मसाज है, और बहुत सारी चीज़ें भी प्रोडक्ट में आपको दिखाती रहूँगी। अच्छा, कंपनी कोई सी भी हो, क्लिंजिंग मिल्क के नाम से ही आप क्लिंजिंग को बाय करेंगे। मेंस, वोमेंस, गर्ल्स जिनकी स्किन डैमेज हो गई है, ख़राब हो गई है, वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करें, और जिनकी स्किन बिल्कुल परफेक्ट है, बेबी स्किन है, उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं है। वो सिर्फ क्लिंजिंग मिल्क, मास्क और फेस वॉश ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी फेशियल वगैरह वो ना लें तो बेहतर है। अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया है, इसका रिजल्ट देखें। अच्छा, मैं इसको ज़्यादा देर तक मसाज नहीं करूँगी, लेकिन आप लोग ज़्यादा देर तक करेंगे, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग भी हो सकती है अगर ज़्यादा देर तक मैंने मसाज किया, या कोई वीडियो फिर अपलोड होने में भी परेशानी होती है अगर ज़्यादा लॉन्ग हो गई तो ये चीज़ें हैं। मेरी वीडियो को प्लीज़ देखकर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अभी देखने को मिलेंगी, और न्यू चीज़ें, न्यू आइटम आपको ड्रेस के बारे में, फैशन के बारे में देखने को मिलेंगे, होम डेकोरेट के बारे में देखने को मिलेंगे, स्किन के बारे में आपको ट्रीटमेंट मिलेगी, हर तरह की मिलेगी, और आगे जाएंगे तो अगर वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे आपको गिफ्ट भी मिलेंगे। मैं उन लोगों को गिफ्ट दूंगी जो लोग मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उन लोगों को अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, बुरे बुरे कमेंट्स नहीं करें, और उन लोगों को मैं गिफ्ट भी दूंगी। मैं ये सारी चीज़ें बाय सिर्फ इस चैनल को चलाने के लिए करती हूँ, और बहुत सारे अभी मैंने न्यू ड्रेस डाले हैं, वो भी मैंने अपने लिए बाय किए हैं, और आप लोगों को मैंने शो भी कराए हैं, और वो ड्रेस भी मैंने चैनल के लिए ही लिए थे, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे उसके ड्रेस दिखाऊँ, आपको पता चले कौन सी कंपनी का ड्रेस और उसका फैब्रिक कैसा है। मैं खुद यूज़ करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि किस तरह के हैं। इस तरह करके आप छोड़ देंगे, और उसके बाद एक घंटे बाद आप फेस वॉश कर लेंगे। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।